दोस्तों, नमस्ते। इस चैनल पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ठीक से होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। दोस्तों टाइम हो गया है, 10:30 बज गया है, धूप हो गया है, तो हमको सरसों फैलानी थी धूप में, तो ये कपड़ा लिए हुए इस पर भी डाल देंगे ताकि उठाने में सही पड़ता है, नहीं तो ये गोल गोल होता है ना, जल्दी जल्दी उठा नहीं मिलता है, बंदर आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी में उठा नहीं मिलता है, बंदर छीट देते हैं, पूरा नुकसान कर देते हैं, इसलिए कपड़े पे डालते हैं और उठाने में आसानी होता है इसको। तो पतला सा को अच्छे से फैलाएंगे तो यानी 2-3 घंटे में सूख जाएगा, फिर साफ करके, क्योंकि आज ही मुझे देनी है मशीन पे फैलाने के लिए, क्योंकि बच्ची का छुट्टी है, दिन है संडे और शाम तक सूख जाएगा, साफ करके ले जाएंगे, बच्ची मशीन पे रखाएंगे, नहीं तो स्कूल से आने में देर हो जाता है, तो ले जाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूरी है 3 किलोमीटर है लगभग, तो दूर होता है तो शाम तक अच्छा नहीं लगता है बच्ची को भेजने में, और संडे के दिन ही काम निपटाते हैं जो उनको करना होता है। 2-3 घंटा धूप लगती है सरसों में, फिर अब हम साफ कर लेते हैं, आ गए हैं छत पे, पहले झाड़ू लगाएंगे। यहाँ है इसका मतलब 1 बज रहा है, यहाँ होता 12 बज रहा है, यहाँ होता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 यहाँ, 1, 2 यहाँ, 12 बजे फिर आता, 4 नहीं कहाँ बजे, 1, 2, 3, 4 चार पे कहाँ पहुँचता है, हाँ वहाँ पहुँचता है, क्योंकि हम लोग को 5 मिनट पहले दिखता है, तो 5 मिनट से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ख़त्म हो गया, गलत हो गया मेरा। कितना हो रहा था? नहीं वो तो सही हो गया, ये कर रहे थे, देखो इतने पे 12 बजता है, अभी बज रहा 1, तो इसका मतलब वहाँ है, 2 पे यहाँ पे होगा, 3 पे यहाँ पे होगा, 4 पे यहाँ पे होगा, 5 पे यहाँ पे होगा, 6 पे वहाँ पे होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभी दोस्तों पहले हम छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि जो थोड़ा बड़ा बड़ा ये सरसों की फलिया है वो निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है दोस्तों, उसा लेंगे, फिर उसके बाद सूप से फटक के साफ करेंगे। इस समय धूप में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत हल्का धूप होता है, बहुत तेज धूप होती ही नहीं है, तो मिट्टी घर पर हम दोनों माँ बेटी मिल के बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है, दोनों लोग बात करके करते हैं, बात करते करते काम करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है, काम जल्दी से फटाफट हो ही जाता है, तो हवा चल रही थी ओसा लेते हैं, बहुत तेज नहीं, हल्का हल्का हवा है, तो छोटा छोटा जो टुकड़ा जो छोटा छोटा फल क्या का टुकड़ा है वो उड़ जाता है हवा से, और उसके बाद सूप से फटक के साफ करते हैं और जल्दी हो जाता है, ओसा लेते हैं दोस्तों, तो हम ओसा के ही काम करते हैं ताकि बहुत जल्दी से साफ होता है और अच्छे से साफ भी होता है, क्योंकि थोड़ा ओसाने में निकल जाता, थोड़ा फटकने में निकल जाता है, समय भी कम लगता है, काम आसानी से हो जाता है। तो छत पे लाए ही नहीं थे, गए हैं लेने, इधर बच्ची कुछ काम कर रही है, अपना खेल रही है, बच्चों वाला बचपना वाली चीज खेल रही है, जैसे बचपन में खेलती थी उसी तरह खेल के मन बहला रहे, क्योंकि हम नीचे चले गए थे सूप लेने, आगे अब हम फटाफट लेते हैं फटक के साफ कर लेंगे सरसों, फिर इनको तैयार होके ले जाना भी है मशीन पे, और सारा ढेर सारा काम करना मुझे, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं दोस्तों, फार्म पे जाना है वहाँ भी काम करने, इधर रोड पे दो लोग कुछ बेचने आए थे, इधर हम दोनों लोग देखने लगे क्या चीज है बेचने आए हैं,
वो सॉरी शायद कबाड़ वाले हैं, कबाड़ लेते हैं और कुछ सामान लेके आते हैं। मन करे तो जो सामान ले लिया जाता है कबाड़ दे के। टूटा फूटा हम लोग के घर में होता है, दिवाली का समय क्योंकि आ रहा है तो कबाड़ रखने से कुछ फायदा नहीं होता। ये लोग आते हैं तो दे दिया जाता है, उसके बदले में कुछ सामान मिल जाता है। इधर बात करते करते हम लोग सरसों साफ कर ले रहे हैं, बच्ची खेल भी रही हैं। आप सबसे बात करते करते है तो देखिए हमारा काम पूरा होने वाला है, जल्दी साफ हो जा रहा है। इधर छत पे एक तरफ साइड धान फैलाया हुआ है सूखने के लिए, फिर ये लास्ट वाला थोड़ा सा बचा है, अभी ये भी साफ हो जाएगा। देखिए कपड़े में कितने आसानी से कितने जल्दी से हम उठा लिए हैं, नीचे होता जल्दी उठा नहीं मिलता है दोस्तों। छत का काम तो खत्म हो गया, अब आ गए हैं नीचे, कपड़ा धुल के रखे हुए तो पानी नीचे हो गया, फिर डाल देते हैं सूखने के लिए। तो ठंडी है, फ्रेश तो करती हूँ। हाँ उसका कलर ये हमारे यहाँ दोस्तों काम तैयार हुआ है, कान की सब्जी। हमारे गांव में, मायके में, ससुराल में, दोनों जगह जो है दिवाली के दिन कान की सब्जी जरूर बनती है दोस्तों। तो हम एक कान हुआ है नीचे, तो इसको हम खोद के रख लेंगे, फिर जब मन करता तो ऐसे भी बना लेते हैं, लेकिन दिवाली के दिन तो जरूरी होता है बनाना, सब लोग बनाते हैं। और ये सब्जी बनती है तो कान का जड़ जो है थोड़ा नीचे है, खोते खोते जो है ना, जब खुरपा से खोद रहे थे खुरपा, तो वो लकड़ी जो है वो टूट गया था, फिर किसी तरह से कोशिश करके अब तो निकाल लिए हैं, उसी से टूटे वाले खुरपे से ही निकल गया है। ईंट था बगल बगल में, ईंट हटा दिए हैं, निकाल ली तो कैसे निकलेगा, छोटा टुकड़ा निकला है, फिर बड़ा नीचे है वो भी निकाल लेंगे। ये बहुत बढ़िया चीज है, इतना निकल गया, ये लगभग 1 किलो से थोड़ा कम है। बनाने वाला हम लोग जो बनाए थे ये दोस्तों देसी वैरायटी का है, हमारे यहाँ कान बोला जाता है, कुछ लोग सूरन भी बोलते हैं। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये सुबह के खाने का है वीडियो, तो सुबह हमारे यहाँ मटर पनीर की सब्जी बनी थी, क्योंकि संडे का दिन था तो बच्चे घर पे थे, तो शनिवार के दिन लाई थी मार्केट से, तो मिटिया रानी बना रही हैं सब्जी, दोनों लोग मिलके बनाते हैं। इधर चावल बन रहा है, इधर सब्जी मटर पनीर की सब्जी है, तो देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ है। आ जाइए आप सभी लोग खाना खा लीजिए, इधर चावल बन रहा है भगोने में, देखिए दोस्तों तैयार हो गया है सब्जी चावल। अब चलिए निकाल लेते हैं खाना, लगी है हम सभी को भूख। और आंवला रखा हुआ था हमारे गांव के भैया, हाँ वो दे गए थे अपने घर से, उनके घर में बहुत सारा पेड़ में बहुत सारा फरा हुआ है, तो जब भी आते हैं हमारे घर तो 2-4-10 आंवला लेके ही आते हैं, रख के घर पे जाते हैं। तो हम लोग चटनी बनाते, कभी उबाल के बना लेते हैं, कभी कच्चा ही बनाते, तो आज मन कर रहा था कच्चा ही सिलबट्टे वाली चटनी बनाने की, तो अदरक लिए हैं 1 टुकड़ा, हरा मिर्च, नमक, अदरक, इसी से हम सिलबट्टे से पीस लेते हैं। ये दरदरा होता है दोस्तों ना, बड़ा टेस्टी लगता है खाने में, खाने का स्वाद और ही बढ़ जाता है दोस्तों। ये सीजन है आंवले का, कोई भी चीज़ हो सीजन वाली तो और ही अच्छी होती है। तो फटाफट पहले बना लिए हैं चटनी, उसके बाद निकालेंगे खाना। तो आ जाइए आप सभी लोग खाना और चटनी चटपटी सिलवा ली, आ जाइए आप सभी लोग खाना खा लीजिए। आज का ब्लॉग दोस्तों अब खाना खाने के बाद यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।